हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉफ़ी विद कोड्स। जैसे कि मैम ने आपको प्रॉमिस किया था कि अगर हम लोग बहुत सारा लाइक्स एंड कमेंट्स पाएंगे तो हम लोग मॉक टेस्ट का सॉल्यूशंस भी आपको देना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोडिंग समझते हैं, क्योंकि सबको कोडिंग में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तो जो कोड उन लोग ने दिया था मॉक टेस्ट में, उसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कोड दिया था। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर वन है, एक क्वेश्चन आएगा आपको TCS निंजा के एग्जाम में, आपको उसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन है ये, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द बिलो सीरीज 1, 2, 1, 3, 2, 5, 3, 7। तो देखिए इस ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसका लॉजिक है, इसीलिए उन्होंने, तो जैसे कि यहाँ लिखा है दिस सीरीज इज अ मिक्सचर ऑफ टू सीरीज, देखिए दो सीरीज, ऑल द ऑड टर्म्स इन दिस सीरीज फ्रॉम अ फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज आपको पता है क्या होता है, तब भी मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। फिबोनाची सीरीज ऑड नंबर टर्म्स पे बैठेगा, जैसे वन हुआ, थर्ड टर्म हुआ, फिफ्थ टर्म हुआ, सेवेंथ, नाइन्थ, ऐसे ऑड टर्म्स के प्लेसेस पे फिबोनाची सीरीज का वैल्यू बैठेगा। एंड ऑल द इवन टर्म्स आर द प्राइम नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। प्राइम नंबर्स जो खुद से और सिर्फ वन से डिविजिबल होते हैं, प्राइम नंबर्स, वो सब इवन प्लेसेस पे बैठेंगे, इवन प्लेसेस पे। तो इवन प्लेसेस आप जानते हैं, दूसरा, चौथा, छठा, आठवा, ऐसे करके। तो ये सीरीज ऐसे बनेगा, मगर आपको आउटपुट क्या देना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द nth टर्म। nth टर्म आपको आउटपुट देना है, तो n कोई भी वैल्यू हो सकता है जो इनपुट होगा इन दिस सीरीज। आपको पूरा सीरीज नहीं प्रिंट करना है, तो ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको पूरा सीरीज नहीं प्रिंट करना है, आपको सिर्फ nth टर्म का वैल्यू प्रिंट करना है। तो उसके आगे बढ़ते हैं, द वैल्यू n इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट शुड बी रीड फ्रॉम stdin। stdin मतलब इनपुट आपको देना पड़ेगा nth का वैल्यू, n का वैल्यू आपको इनपुट देना पड़ेगा। और द nth टर्म दैट इज कैलकुलेटेड बाय द प्रोग्राम शुड बी रिटन टू stdout। stdout मीन्स आउटपुट में आपका nth टर्म का वैल्यू आना चाहिए, वैल्यू आपका आना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अदर देन द वैल्यू ऑफ nth टर्म नो अदर कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स और मैसेज शुड बी रिटन टू stdout। तो ये क्यों लिखा गया है, कोई और कैरेक्टर नहीं लिखता है, आउटपुट आना चाहिए, कोई भी और कैरेक्टर नहीं आउटपुट आना चाहिए। जैसे कि हम कॉलेज डेज में लिखते थे कि द nth टर्म वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस, लेट इट बी 17। तो देखिए यहां एग्जांपल दे दिया कि व्हेन n इज 14 द 14th टर्म सीरीज इज 17। तो यहां n के जगह पे आप 14 लिखेंगे, 14th टर्म वैल्यू इज 17, ऐसे नहीं लिखना है, आपको ये सब नहीं लिखना है। कॉलेज डेज में जैसे आप लिखते थे वैसा नहीं लिखना, सिर्फ आपको 17 आउटपुट आना चाहिए, सिर्फ आउटपुट के कॉलम में सिर्फ 17 लिखा हुआ रहना चाहिए और कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर 17 के अलावा भी कुछ आएगा तो ये आप जानते हैं कंप्यूटर चेक करता है, तो वो कोड, उसका कोड में वो पेनलाइज कर देगा और आपका आउटपुट नहीं शो करेगा, तो आपका कंपाइल नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम होगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो सिर्फ आप nth टर्म का वैल्यू प्रिंट करेंगे। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ना आगे कोई स्पेस हो ना बाद में कोई स्पेस हो, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ द डिजिट्स। सो द ओनली वैल्यू 17 शुड बी प्रिंटेड टू stdout। तो आपको इनपुट भी सिर्फ 14 एंटर लेना है और आउटपुट भी आपका सिर्फ 17 आना चाहिए और कुछ नहीं।
और हाँ, बहुत जन को प्रॉब्लम हो रहा था कि टीसीएस कि टीसीएस निंजा में आपको प्रोग्राम कमांड लाइन से लिखना है कि नहीं। हाँ, कमांड लाइन से नहीं लिखेंगे तो और किससे लिखेंगे? क्योंकि अगर आपके प्रोग्राम में स्कैन एफ रहेगा तो वो नहीं लेगा इनपुट। मगर आज मैं ये जो प्रोग्राम करके दिखाने जा रहा हूं आपको, मैं आपको स्कैन एफ से ही करके दिखाऊंगा। क्योंकि आप पहले लॉजिक समझिए, कमांड लाइन आर्गुमेंट बहुत बड़ा चीज नहीं है। मैं ये जब सेमिनार में आपको समझाऊंगा, आप जानते ही हैं हमारा एक लाइव सेमिनार होने वाला है, 26 अगस्त को, तो आप उसमें रजिस्टर जरूर करिएगा। मैं वहां कमांड लाइन प्रोग्राम से बहुत सब पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे के आपको समझाऊंगा भी। तो आप कमांड लाइन में मत डरिए, कमांड लाइन बहुत ही इजी चीज होता है। और स्कैन एफ, अगर आप कमांड लाइन लिखेंगे तो स्कैन एफ लिखने का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है स्कैन एफ का, तो आप टेंशन मत लीजिए। आज मैं आपको स्कैन एफ से सिर्फ समझाऊं आज मैं स्कैन एफ से समझाऊंगा, मगर मैं आपको वेबिनार में कमांड लाइन पूरा अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो आज आप लॉजिक पे फोकस करिए और समझिए कि कैसे करके प्रोफेशनली एक कोड लिखा जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने ऑनलाइन आईडीई में, वहां मैंने अब प्रोग्राम लिख के रखा है, तो चलिए अब उसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए देखिए, हम आ चुके हैं अपने ऑनलाइन आईडीई में। तो मैंने प्रोग्राम पहले से ही लिख के रखा है, तो ये प्रोग्राम का लेंथ लगभग 43 लाइंस का हो गया है। तो चलिए मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और ध्यान में रखिए, मैं बोल रहा हूं कि आज मैं स्कैन एफ से कर रहा हूं, मगर आप अगर स्कैन एफ से टीसीएस निंजा में लिखेंगे तो आपको शायद प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ जाए। तो मैं लाइव वेबिनार में कमांड लाइन आर्गुमेंट समझाऊंगा, आप धैर्य रखिए, टेंशन मत लीजिए, अपने दोस्तों को बुलाइए। आज सिर्फ आप लॉजिक समझिए और हमें लाइक्स और भी दीजिए इस वीडियो में, हमें कम से कम 100 लाइक्स दीजिए ताकि हम और मोटिवेटेड हों और भी दूसरे ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाने के लिए। तो और भी हम ऐसे ही प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस का प्रोग्राम मैं आपको सॉल्व करके वीडियो में समझाता रहूंगा। तो चलिए समझते हैं इस प्रोग्राम को। तो ये प्रोग्राम मैंने सी में लिखा है। तो सबसे पहला लाइन आप जानते ही हैं सी का क्या होना चाहिए, हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये हो गया हेडर फाइल, इनपुट आउटपुट का हेडर फाइल हो गया। अब हम लोग चलते हैं, देखिए, अब आप पूछेंगे, सर हम तो इनपुट ले ही नहीं रहे हैं तो हेडर फाइल क्यों लिखे? मगर आपको प्रिंट एफ तो करना ही पड़ेगा ना, तो आपको आउटपुट तो देना ही है, इसीलिए इंक्लूड आईओ आपको लिखना ही पड़ेगा है stdio। क्योंकि आप अगर इनपुट का नहीं ले रहे हैं मगर आउटपुट का आप लेंगे, और कमांड लाइन में भी ये इनपुट कंसीडर किया जाता है। तो देखिए, मैंने वॉइड मेन लिखा है, वॉइड मतलब मेन का कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगा, और यहां से मैंने अपना कोड लिखना चालू स्टार्ट कर दिया है। तो पहले मैंने इंट लेके आई जे के एल काउंट एन, ये सब का हम लोग यूज एक एक वेरिएबल का देखते रहेंगे। मैंने इंटीजर में इन्हें इनिशियलाइज किया है, और स्कैन एफ में देखिए मैंने यहाँ एन का वैल्यू ले लिया है, एनथ का वैल्यू यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखिए मैंने स्कैन एफ में एन का वैल्यू लिया है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट सिखा दूंगा, मैं वो गारंटी देता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको लाइव वेबिनार अटेंड करने के बाद। तो ज़रूर लाइव वेबिनार अटेंड करिए। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में देखिए, इंट एरे लिया है मैंने एक n+1 तक, इसको मैंने इनपुट लेने के बाद इनिशियलाइज किया है, क्योंकि ताकि मुझे कितना बड़ा एरे लेना है वो पता चल जाए। देखिए n+1 मतलब अगर n तक का होगा तो उसका +1 मतलब, देखिए एरे तो होता है 0 से स्टार्ट, तो अगर मैं n तक का लेता तो अगर n होता 10 तो वो 9 तक का प्लेस ही देता, बट मुझे चाहिए था 10 तक का प्लेस, मतलब टोटल 11 प्लेसेस। तो इसीलिए मैंने +1 करके
ए एक एरे को इनिशियलाइज कर दिया, डेटा टाइप इसका भी इंट है। अब देखिए फिबोनाची सीरीज, हमें दो सीरीज करना था, एक फिबोनाची, फिबोनाची और एक हमें प्राइम नंबर करना है। तो फिबोनाची क्या आप जानते हैं, स्टार्ट होता है 0 और 1 से, ये तो हरदम रहता ही है। तब दो वैल्यूज रहने के बाद थर्ड वैल्यू इसका होगा 0 प्लस 1 1, और फिर फोर्थ वैल्यू होगा 0 1 प्लस 1 2। तो देखिए मैंने इसीलिए ए का 0th प्लेस पे 0 ले लिया है, जो फिबोनाची का पहला प्लेस है, और ए का 1 का प्लेस में 2nd प्लेस पे मैंने 1 ले लिया है, जो फिबोनाची का दूसरा वैल्यू है। उसके बाद मैंने एक वाइल लूप चलाया है, जिसमें देखिए आई लेस देन इक्वल टू एन, आई देखिए यहां मैंने इनिशियलाइज किया है 2, तो देखिए यहां दो वैल्यू तो ले लिया हमने, इसीलिए मैंने ये 0 मान के, ये 0th प्लेस था, ये 1st प्लेस था, इसीलिए ये 2nd प्लेस पे मैंने इस वाइल लूप को स्टार्ट किया है। तो यहाँ आई इजिकल्स टू 2 था, और एन इजिकल्स टू, जैसे कि हमारा इनपुट है एन इजिकल्स टू 14 मान लेते हैं, 14, तो आई इजिकल्स टू 2 हो गया। अब ये आई, हाँ कंडीशन ये कर रहा है कि आई छोटा है 14 से, 2 14 से छोटा है। अब हम देखिए एक, अब मैंने क्या किया है इस प्रोग्रामिंग में कि दो भाग में इसे तोड़ लिया है। पहला, क्योंकि फिबोनाची हरदम ऑड नंबर पे बोला गया था, ऑड प्लेसेस पे, और प्राइम हरदम बोला गया है था मुझे इवन प्लेसेस पे प्रिंट होने के लिए, तो इवन प्लेस और ऑड प्लेस को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, ये हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल में सीखे थे कि अगर चेक करना है वो इवन प्लेस है कि नहीं, तो उसे मॉड्यूल 2 करके रिमाइंडर उसका 0 चेक करना है। मॉड्यूल 2 मतलब क्या, कोई भी नंबर का अगर देखिए, जैसे आई है 2, तो 2 मॉड्यूल 2, तो रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि फुल्ली ये डिविजिबल है 2 से, तो इसीलिए हमारा ये 0 से मैंने चेक करवा लिया है। तो मुझे पता चल गया कि आई अब इवेन है, तो इफ के भीतर अगर इवेन है, आई इवेन है, तब मैं इसमें प्राइम नंबर का काउंटिंग करूंगा। तो यहां मैंने एक एल जो लिया था, यहां ये एल इजगस टू आई कर लिया है, क्योंकि आगे आप देखेंगे कंडीशन चेक करने के लिए। तो एल का भी वैल्यू अभी भी अब 2 हो चुका है, एल का वैल्यू भी 2 हो गया है, क्योंकि आई का वैल्यू 2 था। अब देखिए डू डू वाइल यहां चलाया है मैंने। अब सबसे बड़ा चीज यहां मैंने डू वाइल क्यों चलाया है वो आप अंत में समझ पाएंगे, तो चलिए देखते हैं। डू जे प्लस प्लस कर लिया, जे देखिए मैंने 1 से स्टार्ट किया था, जे 1 है, बट प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, आप जानते हैं कि प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसीलिए 1 से चालू किया था और प्लस प्लस करके इसे 2 कर लिया। तो अब हम चेक करेंगे 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो यहां मैंने फॉर लूप लगाया है, तो देखिए यहां मैंने के 2 से जे के लेस देन जे तक चलाया है। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर हो वो 1 से और खुद से, इटसेल्फ से डिविजिबल तो होता ही होता है, तो इसीलिए मैंने उसे लिया ही नहीं है, ना 1 लिया है ना इटसेल्फ लिया है, तो 2 से चलेगा और उसके नीचे तक, मतलब इटसेल्फ -1 तक चलेगा। तो यहां देखिए जे माइनस वन ये कंडीशन नहीं चेक होगा, क्योंकि 2 ही है, जे इजिकल्स टू 2 है, तो ये तो फॉल्स हो ही जाएगा, ये फॉल्स कंडीशन हो जाएगा, तो ये लूप तोड़ के निकल आएगा। तो इसका मतलब भी हमारा 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है। तो यहां मैंने चेक कर लिया है काउंट इक्वालिटी 0, देखिए यहां मैंने काउंट लिया था, काउंट को मैंने लिया है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए। अगर इसमें लूप होता और वो प्राइम नंबर नहीं रहता, या बीच का कोई भी नंबर से वो डिविजिबल हो जाता, जैसे कि मैंने यहां किया है जे मॉड्यूल के
इक्वालिटी जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता किसी और नंबर से तब काउंट प्लस प्लस हो जाता, मतलब तब वो जीरो से ज्यादा हो जाता, और जीरो से ज्यादा हो जाना मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां मैंने चेक करवाया है, अगर जीरो है, अगर जीरो काउंट है तब ए आई प्लेस पे, मतलब ए का फर्स्ट प्लेस पे जीरो था, सेकंड प्लेस पे वन था, थर्ड प्लेस पे जो हमारे लिए सेकंड प्लेस है नॉर्मली, तो वहां मैं जे का वैल्यू स्टोर कर दे रहा हूं, जे का वैल्यू टू था तो वो टू स्टोर हो जाएगा और उसके बाद आई प्लस प्लस कर देगा। तो देखिए आई प्लस प्लस हो गया और फिर ब्रेक करके यहां से ये लूप के बाहर यहां आ जाएगा, लूप के बाहर यहां आ जाएगा। ब्रेक मैंने कर दिया है क्योंकि उसके बाद एक एक कंडीशन, एक बार मेरे को प्राइम नंबर मिलने के बाद मुझे तो अब फिबोनाची सीरीज चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऑड प्लेस आ चुका है, तो इसीलिए मैं यहां ब्रेक कर दूंगा वरना वो प्राइम नंबर लगातार प्रिंट करता रहेगा। तो ये ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ब्रेक कर दीजिए जाना, ये डू व्हाइल लूप ब्रेक करके वो बाहर निकल आए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट में, देखते हैं कि मैंने फिबोनाची कैसे चेक करवाया है। तो यहां देखिए, यहां व्हाइल लूप से निकल गया, तो अब एल्स तो रहेगा नहीं, अब फिर ये घूम जाएगा, तो आई अब थ्री हो चुका है, तो अब हमारा आई इज इक्वल्स टू थ्री हो चुका है और ए के जगह पे जीरो वन टू स्टोर्ड है। अब देखिए आई इज इक्वल्स टू थ्री होगा तो ये, अब देखिए आई इज इक्वल्स टू थ्री होगा तब तो यहाँ इस इफ में तो ये घुसेगा नहीं क्योंकि थ्री इज नॉट फुल्ली डिविजिबल बाई टू, अब वो आएगा एल्स में। अब एल्स में मैंने फिबोनाची का ये दे दिया है, फिबोनाची का लॉजिक मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। तो देखिए तीन, यहाँ मैंने फिबोनाची का ये क्या होता है कि उसके पहले वाला फिबोनाची का होता है जीरो वन, तो ये दोनों प्लस करके ये वन होगा और फिर ये दोनों प्लस करके ये टू होगा। तो देखिए आगे का दोनों, और हम लोग जानते हैं कि हमारा हर ऑड प्लेसेस पे फिबोनाची स्टोर्ड है, तो मैंने देखिए मैंने क्या लगाया है, ए इज इक्वल्स टू, पहले ये लाइन समझते हैं। तो देखिए ये रहा ए आई, तो आई पोजीशन कौन सा है, थर्ड पोजीशन जो यहां होगा, ये थर्ड पोजीशन है, ये हमारा सेकंड पोजीशन है, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है और ये हमारा जीरो पोजीशन है एरे का। तो हम लोग देखिए थर्ड पोजीशन में हम लोग स्टोर कर रहे हैं क्या, ए आई माइनस टू, आई माइनस टू, देखिए हमारा तो हर फिबोनाची सीरीज का वैल्यू ये ऑड पोजीशन पे है ना, तो इसीलिए देखिए आई माइनस टू मतलब थ्री माइनस टू दैट इज वन, देखिए यहां आ रहा है, ये ऐड होगा और प्लस आई माइनस फोर यहां होगा, देखिए थ्री माइनस फोर वो माइनस वन हो जाएगा, तो जो इस एरे में नहीं है तो ये एक एरर दे देगा। इसीलिए मैंने सिर्फ थर्ड प्लेस के लिए, क्योंकि हमारा तो मैंने फर्स्ट जीरो प्लेस पे जीरो स्टोर करवाया था और फर्स्ट प्लेस पे वन स्टोर करवाया था, इसीलिए सिर्फ थ्री थर्ड प्लेस के लिए मैंने किया है आई माइनस टू जो है वन और आई ए जीरो, क्योंकि ये दोनों का जब तक एडिशन नहीं होगा तब तक हमें थर्ड प्लेस का वैल्यू नहीं मिलेगा। तो थर्ड प्लेस का वैल्यू हो जाएगा जीरो प्लस वन वन। मगर यही अगर हम फिफ्थ प्लेस में देखेंगे तो फिफ्थ प्लेस में क्या होगा, थर्ड प्लेस और फर्स्ट प्लेस का एडिशन होगा। तो यहां देखिए एल्स में हमारा सिर्फ ये इफ आई इज इक्वल्स टू फाइव हो जाएगा तो ये इफ में नहीं घुसेगा, एल्स में जाएगा, और एल्स में जाने के बाद यहां कंडीशन क्या होगा, आई माइनस टू दैट इज फाइव माइनस टू वन और थ्री एंड थ्री हो जाएगा और आई माइनस फोर दैट इज फाइव माइनस फोर दैट इज वन। तो देखिए थ्री और फोर प्लेस का एडिशन हो जाएगा, मतलब इन दोनों का एडिशन करके यहां ये टू बैठाएगा, वन प्लस वन टू, और फिर मैंने आई प्लस प्लस कर दिया है ताकि वो उस पोजीशन से आई बढ़ जाए, तो थ्री के बाद वो फोर हो गया, आई अब फोर हो गया। ये फिर लूप चलेगा और इस बार देखिएगा ये इवन नंबर है, इवन नंबर है फोर, इसमें ढुकेगा और एल इजिकल्स टू आई करेगा और फिर जे प्लस प्लस करेगा, जे कितना था अभी भी हमारा, यहां देखिए मैंने स्टोर करवाया था टू तो जे अभी भी हमारा टू ही था, अब हमारा यहां जे प्लस प्लस होके ये थ्री हुआ। अब ये चेक करेगा कि दो
से तीन के नीचे तक सिर्फ एक बार इटरेट होगा, इस थ्री डिवाइडेड बाई टू यहां चेक करेगा, इस थ्री डिवाइडेड बाई टू, तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, तो ये काउंट प्लस प्लस नहीं करेगा, और उसके बाद तो ये इस लूप से निकल के यहां चेक करेगा, हाँ काउंट अभी भी जीरो है, यहां देखिए मैंने काउंट जीरो करवा दिया था ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहां काउंट जीरो हो गया, तो काउंट जीरो अगर मिल गया तो ये फिर स्टोर कर देगा आई फोर्थ पोजीशन में, क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो अगर हम लोग सिक्स पोजीशन का देखें, तो यहां देखिए थ्री था, ये प्लस प्लस करेगा, आई जे फोर होगा, और फिर टू से फोर तक वो चेक करेगा, मगर यहां टू इज डिवाइड, फोर इज डिवाइडेड बाई टू, तो यहां काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, तो वो इफ में नहीं घुसेगा, वो डायरेक्ट यहां जाके काउंट जीरो करेगा, और फिर जाके वो जे प्लस प्लस करेगा। अब ये जे प्लस प्लस करने के बाद क्या होगा, फिर ये हो जाएगा फाइव, जो कि ये प्राइम नंबर है, तो अब देखेगा टू थ्री फोर, ये तीनों से ही फाइव डिवाइड नहीं हो रहा फुल्ली, तो काउंट जीरो ही रहेगा, और यहां जाके वो काउंट जीरो करके स्टोर कर देगा फाइव। तो ऐसे हमारा लूप अब चलता रहेगा। तो ऐसे ही करके जब हम लोग 14th प्लेस में पहुंचेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 17। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहां वाइल लूप खत्म हो रहा है, यहां ला वाइल लूप खत्म होने के बाद मैंने प्रिंट करवा दिया है ए एन। तो ए एन मतलब अगर 14th प्लेस है, अगर सबसे पहले चलिए फर्स्ट प्लेस का देखते हैं, अगर फर्स्ट प्लेस होगा तो वो आउटपुट क्या देगा, वन ही देगा, और सेकंड प्लेस पे आउटपुट क्या देगा, टू देगा, क्योंकि प्राइम नंबर टू है फर्स्ट, और थर्ड प्लेस पे आउटपुट क्या देगा, फिर से वन ही देगा, क्योंकि जीरो प्लस वन यहाँ जीरो था, जीरो था जीरो प्लेस पे, तो यहाँ जीरो प्लस वन वन ही आएगा। तो ऐसे अगर 14th प्लेस पे, तो चलिए देखते हैं 17 आता है कि नहीं। तो अब हम इसे रन करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि 17 आउटपुट आता है कि नहीं आता है। तो चलिए इसे रन करवाते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ प्रोग्राम तो लिख ही लिया है, मैंने एक्सप्लेन भी आपको कर दिया है, और पहले चलते हैं, चलिए देखते हैं वन का आउटपुट क्या देता है, फर्स्ट पोजीशन का आउटपुट ये क्या देगा, फर्स्ट पोजीशन का आउटपुट देखते हैं। देखिए वन दिया, फर्स्ट पोजीशन का वो आउटपुट हमने देखा था, वन आया था। अब चलिए देखते हैं कि सेकेंड पोजीशन का आउटपुट ये क्या देता है। तो देखिए यहाँ मैंने आउटपुट सेकेंड ही टू पाया, तो सेकेंड पोजीशन का आउटपुट टू है। अब हम देखते हैं कि फिफ्थ पोजीशन का आउटपुट क्या था, फिफ्थ पोजीशन का आउटपुट क्या आएगा, फिफ्थ पोजीशन का आउटपुट आएगा टू, कि जैसे आप जानते हैं ये फिबोनाची सीरीज प्रूफ कर रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड को मिला के वन प्लस वन करके यहाँ टू आउटपुट दिया। अब हम लोग अपना जो आउटपुट मांगा गया है वो देखते हैं, जो है 14, 14 को हम लोग रन करवाएं, तो 14 का आउटपुट आ गया 17। तो हमारा ये रहा मॉक टेस्ट का प्रोग्राम। आप अगर हमें इस वीडियो में लाइक बहुत सारा देंगे तो हम ऐसा और भी प्रोग्राम्स आपके लिए लाएंगे। और हाँ, मैं ये जो लिंक है मैं ये कॉपी करके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको नहीं मिले तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिलेगा, मैं पिन कर दूंगा, तो आप ये प्रोग्राम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं। तो चलिए थैंक यू, और हमारे साथ बने रहिए। TCS निंजा के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और लाइव वेबिनार अटेंड करना मत भूलिएगा। हमने आपके लिए सिर्फ इस फ्री लाया है, क्योंकि बहुत जन पैसा नहीं दे पाते हैं, तो इसीलिए हमने आपके लिए लाइव वेबिनार फ्री लाया है। आप अपने टू फ्रेंड्स को अपने रेफरेंस आईडी से रेफर करिए, और जैसे कि मैंने इसके पहले हमने एक वीडियो बना दिया है कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, तो वैसे आप रजिस्टर करिए और लाइव वेबिनार अटेंड करिए, जिसमें हम लोग आपको यही सब प्रोग्राम का कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट करके कैसे यूज करना होता है, हम वो आपको सिखाएंगे। तो चलिए बाय।